Welcome you all in the Baghdiyawala Vidya Niketan online classes. In chapter number 4, importing exporting data between CSV file MySQL and Pandas, next topic, get data frame index label from CSV. It means कि आप क्या कर रहे हैं, CSV फाइल से कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को क्या बना रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं. देखिए कैसे. If you want to use column coming from CSV file as an index label for the data frame, you may specify the column name in index call argument. अगर आप कोई भी CSV file के column को as an index label use करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, use करेंगे यहाँ पर index call argument. किसमें करेंगे, जो अपना read CSV है उसके अंदर करेंगे. तो देखिए सबसे पहले अपन example करते हैं. तो import pandas as pd, तो यहाँ पे df data frame pd dot read csv, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, फाइल का पाथ दिया. नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, इंडेक्स कॉल. इंडेक्स कॉल में अपन ने कर दिया कंट्री. इट मींस जो आपका कॉलम कंट्री था वो क्या बन जाएगा, आपका इंडेक्स लेबल बन जाएगा. फिर अपन ने क्या किया, प्रिंट df. इट मींस जो df जो डेटा फ्रेम है उसको अपन ने प्रिंट किया. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाई डिफॉल्ट ये क्या आता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अभी क्या कर रहा है, कंट्री आपका एज ए लेबल यहाँ पे शो हो रहा है. इसको प्रैक्टिकली करना है तो देखिए अपन इसको प्रैक्टिकली करते हैं. सपोज दैट अपने पास यहाँ पर मैंने कुछ कोडिंग लिखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कोडिंग को, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, और यहाँ पे मैंने किया है डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, और इसके अंदर फाइल का पाथ यहाँ पे दिया है. ठीक है, अब ये फाइल कौन सी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर देखिए ये फाइल आपकी आती है, वो आती है बुक वन. ठीक है, बुक वन आपकी फाइल है. तो बुक वन फाइल को अगर अपन देखना चाहते हैं तो देखिए ये अपनी फाइल है, इसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ. इसका जूमिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं अपन. देखिए ये आपकी फाइल है, इसमें कंट्री, आईएसओ कोड, ईयर और पीओपी, ये यहाँ पे अपनी फाइल बनाई है, इसके अंदर ये इंडेक्स है. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो कंट्री है उसको अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स लेबल बनाएंगे. कैसे बनाएंगे वो देखिए, ये मैंने आपको फाइल दिखा दी, यहाँ पे कंट्री, आईएसओ कोड, ईयर और पीओपी, अपन किसी भी कॉलम को क्या बना सकते हैं, इंडेक्स लेबल बना सकते हैं. तो देखिए कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस फाइल को अपन सीधा अपन क्या करते हैं, सीएसवी से रीड करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं कि जो अपना आउटपुट कुछ इस टाइप से आ रहा है. ठीक है, आउटपुट आप देख पा रहे हैं कैसा आ रहा है अपना आउटपुट. देखिए ये आउटपुट आ रहा है, इसमें सबसे पहले इंडेक्स लेवल क्या है, 0, 1, 2 आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे ये कॉलम आ रहे हैं, जस्ट लाइक पहला कंट्री कॉलम है, फिर आईएसओ कोड है, फिर ईयर और फिर पीओपी है. ये तो अपन ने क्या किया है, अभी तक अपन ने कॉलम इंडेक्स इसको नहीं बनाया है, सॉरी इसको अपन ने जो आपका लेबल है वो नहीं बनाया है. तो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं अपन लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स कॉल, और इसके अंदर अपन ने कोई भी कॉलम नेम दे देते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स और देन यहाँ पे कॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्री. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्री कर देता हूँ तो जो आपके बाय डिफॉल्ट जो लेबल आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी जगह क्या आ जाएंगे, कंट्री नेम आपके एज ए लेबल यहाँ पे शो होंगे. ठीक है, तो देखिए कैसे शो होंगे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, देन अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट अपना क्या आ रहा है, कि अभी अपने जो इंडेक्स लेबल है वो क्या आ रहे हैं, कंट्री आ रहे हैं. ठीक है, तो ये है कि अपन कैसे कोई भी अपना जो कॉलम है उसको इंडेक्स लेबल बना सकते हैं. ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है इसमें एक चीज आप एक चेंज और कर सकते हैं, कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई और कॉलम को क्या बनाना है, इंडेक्स लेबल बनाना है, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे किया आईएसओ कोड, तो ये क्या होगा, इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं. तो अब आप देख पा रहे हैं आईएसओ कोड आपका एज ए इंडेक्स काम कर रहा है. ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम को क्या बना सकते हैं, इंडेक्स लेबल बना सकते हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो देखिए क्या है, एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ. राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम ए CSV फाइल my file one नाम से कोई CSV फाइल, उसको रीड करना है एंड क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम इट. इससे अपन को एक डेटा फ्रेम बनाना है, बट द डेटा फ्रेम शुड नॉट यूज द फाइल कॉलम हेडर.
कि फाइल कॉलम हेडर है वो डेटा फ्रेम आपका यूज ना करें। इट मीन्स सीएसवी फाइल के अंदर जो भी कॉलम हेडर है वो यूज ना करें, आप अपना कोई कॉलम हेडिंग बनाए। रेदर शुड यूज ऑन कॉलम हेडिंग एज कंट्री, आईएसओ कोड, ईयर और पीओपी। अब अपना क्या करें, कॉलम हेडिंग बनाएं जिसका क्या नाम है, कंट्री है, आईएसओ कोड है, ईयर है और पीओपी है। एंड ऑल्सो प्रिंट द मैक्सिमम पीओपी गिवन टू एन एम्प्लॉई। और आप क्या करें, यहाँ पे मैक्सिमम, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको हटा दीजिएगा। ओनली अपन को क्या करना है, मैक्सिमम पीओपी को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम पीओपी को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि माई फाइल वन डॉट रीड सी एस वी, सॉरी माई फाइल वन डॉट सी एस वी फाइल है, इसको मैं ओपन करके बताता हूँ ये कैसी फाइल है। तो देख लीजिए, इसको अपन ओपन करते हैं, ये आपकी फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉलम हेडिंग दे रखी है, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 2 3 4 दे रखा है। तो अपन को इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, 1 2 3 4 दे रखा है, इसको अपन को यूज नहीं करना है। इसकी जगह आपको दिया गया कंट्री है, आईएसओ कोड है, ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन है, ये कुछ है, आपको कॉलम दे रखे हैं, वही कॉलम आपको यूज करने हैं, मतलब आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। यहां पर मैंने क्या किया है, प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड सी एस वी। यहाँ पर अपन एक फाइल है उसको रीड किया है, माई फाइल वन डॉट सी एस वी। अब अपन ने क्या किया है, नेम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ने क्या दिया, अलग अलग कॉलम दे दिए, कंट्री, आई एस ओ कोड, ईयर और पी ओ पी। इट मीन्स ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और जो आपकी सी एस वी फाइल के अंदर जो हेडिंग आ रही थी 1 2 3 4, उसको अपन हटाएंगे तो अपन ने क्या किया, स्किप रोज एक आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अपन ने क्या करना है, इसके आगे अपन ने df को प्रिंट किया है, और नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रिंट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट देन मैक्सिमम पॉपुलेशन इज, ये आपका मैसेज हो गया। देन अपन क्या करें, df डेटा फ्रेम डॉट पीओपी, और पीओपी के आगे अपन क्या यूज कर रहे हैं, मैक्स फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले डेटा फ्रेम नेम, देन आपको कॉलम हेडिंग, और देन आपको फंक्शन। तो मैंने लिखा df डॉट पीओपी और देन मैक्स। इसको मैं सेव करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका क्या आ रहा है, कंट्री, आईएसओ कोड, ईयर और पीओपी, ठीक है। देखिए ये फाइल अलग है, पहले अपन ने जो प्रोग्राम किया था उससे ये फाइल अलग है। पहले वाले प्रोग्राम के अंदर फाइल का नाम था बुक वन, और बुक वन के अंदर हेडिंग, कंट्री, आईएसओ, ईयर और पीओपी दी गई थी। और अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं, माई फाइल। माई फाइल के अंदर आपका हेडिंग क्या था, 1 2 3 4 था, इसको अपन ने चेंज किया, किसमें किया, कंट्री, आईएसओ कोड और ईयर और पीओपी। तो अपन ने क्या किया, नेम्स आर्गुमेंट दिए, और नेक्स्ट अपन क्या करें, स्किप रोज वन। तो जो 1 2 3 जो आपका था हेडिंग, उसको अपन ने, उस रो को अपन ने स्किप कर दिया, और नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पीओपी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख पा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए नीचे आपको दिख रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज 6114057.0, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो अगर ये जो पीओपी यहाँ पे दे रखी है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस पीओपी कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, यहाँ पर ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको आंसर में मिल जाते हैं, इट मीन्स आपको ये फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, ओके। तो ये कि कैसे अपन फंक्शन का यूज करते हैं और कैसे अपन इंडेक्स लेबल है वो पर्टिकुलर कॉलम को बनाते हैं, कहां पर, डेटा फ्रेम के अंदर, ओके। थैंक यू।